रेलवे स्टेशन से लंका आने का कॉस्ट जो है ना वो 20 रुपीज़ पड़ेगा। गेट कितना बड़ा गेट है और इधर से जाना पड़ेगा अपने को दूसरे से। महाराजा उनका ये घर हुआ करता था गाइस, क्योंकि ना इस मंदिर का ना बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो अगला जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। कंडीशन उतना अच्छा नहीं है बट घूमने लायक जगह है ये। जब मैं म्यूजियम के अंदर गया ना तो मेरे को ना हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है ना वो होने वाला है रामनगर फोर्ट के ऊपर में। अभी मैं जा रहा हूँ रामनगर फोर्ट, तो गाइस चलते हैं और उस जगह को ना अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं। वैसे अभी बनारस का टूर चल रहा है मेरा, ये सेकेंड वीडियो होगा, तो चलते सबसे पहले रामनगर फोर्ट देखते हैं और आपको भी पूरा अच्छा टूर देते हैं रामनगर फोर्ट का कैसा है और क्यों इतना ज़्यादा फेमस है वो बनारस में। तो चलते हैं गाइस और देखते हैं। तो गाइस रामनगर फोर्ट जाने के लिए ना आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा ऑटो। गाइस मैं अभी बैठ चुका हूँ टोटो पे और आपको यहाँ से डायरेक्ट रामनगर फोर्ट का ऑटो नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले लंका और लंका से फिर ऑटो चेंज करके जाना पड़ेगा रामनगर। तो गाइस अभी चलते हैं सबसे पहले लंका और फिर वहाँ से जाएंगे रामनगर फोर्ट। आप बनारस की सड़कों पे निकलो और आपको कपड़े देखने को ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। आप देख सकते हो मेरे सामने कितना सारा यहाँ पे कपड़ा एकदम लाइन से लगा हुआ है और भी वैरायटीज ऑफ कपड़ा जो कि सबसे ज्यादा गर्ल्स के लिए है। मैं अभी लंका पहुंचने वाला हूं, अराउंड 500 मीटर के आसपास बचा हुआ है और आपको लंका रेलवे स्टेशन से लंका आने का कॉस्ट जो है ना वो 20 रुपीज़ पड़ेगा। आप 20 रुपीज़ में लंका आ जाओगे और फिर यहां से देखते हैं अभी कितना रुपया पड़ेगा अपने को, तो हम लोग डायरेक्ट रामनगर फोर्ट पहुंच जाएंगे। बनारस में एक चीज और आपको देखने को मिलेगा जो कि है स्ट्रीट मार्केट। आप कहीं भी जाओगे ना तो आपको हर जगह पे ऐसा दुकान लगा हुआ दिखाई देगा जो कि, और ये सबसे अच्छी बात है ना कि आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा जो आपको चाहिए, हर एक जगह पे आपको वो मिलेगा। फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं रामनगर फोर्ट। ऑटो से ट्रैवलिंग करने के बाद और यहां पे आप देख सकते हो कि मिनिमम रश है, ज़्यादा रश यहां पे नहीं है। बट गाइज आप बिल्डिंग देखो, रामनगर फोर्ट का गेट देखो यार, दूर से अच्छा नहीं लग रहा यार, वो लग रहा है कि एकदम खंडर टाइप से बन चुका। जैसे फोर्ट पे इंटर करोगे ना तो आपको ऐसा दो तोप देखने को मिलेगा फ्रंट में, एक इधर और एक उधर, और ये किला है मस्त एकदम जो कि बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका, बट कोई नहीं चलते अच्छी तरह से। गाइस रामनगर फोर्ट में आ चुका, तो गाइस सबसे पहले अंदर चलते हैं और लेते हैं टिकट म्यूजियम का और फिर घूमते हैं म्यूजियम यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि म्यूजियम में बहुत हिस्टोरिकल चीज़ है। तो गाइस चलते हैं सबसे पहले म्यूजियम घूमते हैं और घूम के आते हैं। अभी ना मैं एकदम म्यूजियम के अंदर से आ रहा हूँ घूम के, और आपको म्यूजियम के अंदर जाने के लिए मेरा तो भाई मतलब म्यूजियम के अंदर जाने के लिए ना मेरे को 75 रुपीज़ देना पड़ा जो कि मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगा। 75 रुपीज़ मेरा लग भी गया और गाइज मैं ना एक भी वीडियो या फिर फोटोज़ नहीं ले पाया अंदर, तो ये चीज़ बहुत सही नहीं लगा मेरे ख्याल से, और पता नहीं सही भी हो सकता है लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा ये चीज़, क्योंकि 75 रुपीज़ जो होता ना भाई बड़ा अमाउंट हो जाता, लेकिन फ़ोटोज़ अगर लेने मिल जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ था, अंदर में इंफॉर्मेटिव चीज़ था, मेरे को लगा था कि ये वीडियो में डालना चाहिए बट वो सब अपने को मिला ही नहीं। देखो क्या मस्त डिज़ाइन विज़ाइन दिखाई दे रहा है, ये बहुत मस्त बनाया हुआ है, चारों तरफ आपको ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा यहाँ पे। और देखो ये वाला किला जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये ऐसा बोल सकते हैं ना एक हिस्सा, ये साइड का ना बस एक पार्ट है। जा रहा हूँ अब गंगा घाट के तरफ जो कि किले के ऊपर से ना व्यू बहुत मस्त दिखाई देता गंगा घाट का। तो गाइस आपको गंगा घाट जाने के लिए ना देखिए आपको ऐसा कुछ टनल्स टाइप का रास्ता है, इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा जो कि ज़्यादा यहाँ पे रोशनी है नहीं बट वॉल को इतना अच्छा से डिज़ाइन किया गया है ना जिसके थ्रू बाहर का लाइट अंदर आ रहा है, विज़न अपने को मिल रहा है यहाँ से। तो गाइस इसी रास्ते से हम लोग चलते हैं अंदर और निकलते हैं दूसरी तरफ।
छोटा से गेट से बाहर निकलोगे ना तो कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा। आप देख सकते हो सामने गंगा घाट है और एक छोटा सा यहाँ पे मंदिर भी है। तो गाइस सबसे पहले मंदिर का दर्शन करते हैं और फिर आपको थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ यहाँ के बारे में बताते हैं। मंदिर है ना, ये रामेश्वरम मंदिर है। अगर आप रामनगर फोर्ट देखने आते हो ना तो ये जरूर देखना गाइस, क्योंकि ना इस मंदिर का ना बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो एक बार जरूर इस मंदिर में जाकर और भगवान जी का दर्शन। तो गाइस ये वाला जो किला है ना, अभी आपको मैंने दिखाया जो किला, ये पहले के ज़माना में जो राजा थे बनारस के महाराजा, उनका ये घर हुआ करता था। यहीं से वो सब कुछ हैंडल किया करते थे। बट समय जैसे बीतते गया ना, उसके बाद ये वाला प्लेस को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी ना ये एकदम एज अ म्यूज़ियम इसको खोल दिया गया है कम्प्लीट। पे ना बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और घूमते हैं इस जगह पे, और फॉरेनर लोग भी ना भाई ये सब जगहों पे बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी मैं देखा तो बहुत सारे फॉरेनर्स जो थे ना वो आए हुए थे इस प्लेस पे और पूरा घूम रहे थे और अच्छे से हर एक चीज़ को वो समझ रहे थे, इंडियन कल्चर को बहुत अच्छी तरह से वो देख रहे थे। ये वाला जो किला है ना, ये 17th century में बना था, 1750s में, उस टाइम पे। गाइज आप जब टॉप पे आ जाओगे ना तो ऊपर में एक शंकर भगवान का आपको मंदिर देखने को मिलेगा। तो गाइज रामनगर फोर्ट घूमने का ना सही टाइमिंग होता है एकदम शाम का 2 बजे के बाद का। 2 बजे के बाद आप आओगे ना तो 2 घंटे में मस्त पूरा जो है ना किला घूम पाओगे। और गाइज किला इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि आपको घूमने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरे को 2 घंटे के आसपास लग चुका है, अभी और थोड़ा मोड़ा लगेगा क्योंकि अभी ना मैं आधा ही हिस्सा में बस घूमा हूँ। ये जगह देखो कितना मस्त एकदम डरावना जगह है और ये पूरा टूर टूट चुका है गाइज, देखो कितना खराब हो चुका है। कंडीशन उतना अच्छा नहीं है बट घूमने लायक जगह है ये, आप देख सकते हो एकदम लग रहा है कि पूरा भूतिया जगह है। तो गाइस ये वाला जगह पे ना घूमने बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिला। आप देख सकते हो गाइस कैसा जगह ये, यहाँ पे पूरा लाइट लगा हुआ, अगर लाइट नहीं लगा हुआ रहेगा तो पूरा डार्क हो जाएगा एकदम अंधेरा में और आपको अपना फ़ोन का लाइट जला के नीचे जाना पड़ेगा। बट कोई नहीं, लाइट वाइट तो है इतना फैसिलिटीज। तो गाइस स्टेशन से राम का जो कंप्लीट डिस्टेंस है ना वो पड़ता है 9 किलोमीटर के आसपास। मेरे को भी 9 किलोमीटर के आसपास ही पड़ा क्योंकि मेरा जो होटल है ना वो स्टेशन के एकदम पास में ही है, जिसके चलते मेरे को भी 9 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे लग गया। गंगा तट से एकदम सटा हुआ है जिसके चलते ना ये वाला किला देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है क्योंकि इस किले पे खड़ा होकर और गंगा का जो व्यू है ना सुंदर आता है, जिसके चलते ना और ज़्यादा लोग आते हैं और इस जगह पे ना घूमते हैं। देखो ये गेट कितना बड़ा गेट है और इधर से जाना पड़ेगा अपने को दूसरे साइड पे जाने के लिए किला का। और ये सारा जो गेट है ना वो कंप्लीट लकड़ी का बना हुआ है, ये जितना गेट आपको दिखाई दे रहा है। और गाइज अभी हम लोग इंटर कर चुके हैं दूसरे साइड में, आप देख सकते हो क्या मस्त यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा। यहाँ पे भी आपको एक तोप देखने को मिलेगा, ये वाला समझ नहीं आ रहा क्या है, यहाँ पे बोर्ड वोर्ड नहीं लगा हुआ है। अगर बोर्ड लगा हुआ रहता ना तो एटलीस्ट अपने को पता चलता कि ये है क्या। और ये बहुत मतलब कुछ अजीब टाइप से लग रहा, पता नहीं चल रहा कि आखिर है क्या ये। देख सकते हो आप इधर से ना पाइप वाइप निकला, उधर भी मस्त किला दिखाई जा रहा। म्यूज़ियम के अंदर रखा गया एकदम सेफली सजा के और बहुत अच्छी तरह से, वो सब चीज़ आप देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और थोड़ा आप हिस्ट्री के बारे में जान पाओगे यहाँ का, हिस्ट्री के टाइम पे क्या चीज़ यहाँ मतलब क्या क्या हुआ ना उस चीज़ों को देखकर और समझ पाओगे। इस किले की दीवार पे जितना भी डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा ना वो सारा बेस्ड है मुगल आर्किटेक्ट पे। उस टाइम पे जो मुगल के टाइम उस टाइम पे जो डिज़ाइन किया जाता था ना वॉल पे, वही डिज़ाइन अभी तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा ऐसा लकड़ी ना हर जगह पे देखने को मिलेगा आपको किला का। और ये लकड़ी ना अभी तक देखो अच्छी तरह से टिका हुआ है और अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ। तो गाइस सोचो कितना मस्त लकड़ी उस टाइम पे यूज़ किया गया होगा कि अभी तक इस पर 1 करोड़ तक नहीं आया। और देखो इधर दीवार वॉल टूट गया, लेकिन गाइस जितना भी वॉल और विंडोज है ना वो अभी तक एकदम अच्छी तरह से गुड कंडीशन में है। जब मैं म्यूज़ियम के अंदर गया ना तो मेरे को ना बहुत हिस्टोरिकल चीज़ देखने को मिला, जैसे कि पुराना ज़माना का गाड़ी और फिर पालकी वॉल की, जैसे राजा महाराजाओं का जब शादी होता था ना तो उस टाइम पर महारानी लोग जो गाड़ी वाड़ी से जाया करती थी वो गाड़ी भी आज मतलब पालकी या डोली जो होता था ना वो सारा डोली ना यहाँ पर सजा के एकदम रखा गया। और चांदी का भी ना मूर्ति है यहाँ पर बहुत सारा,
और भी सिल्वर का ना बहुत सारा चीज़ यहाँ पे रखा गया जो कि एकदम संभाल के अच्छी तरह से रखा गया। तो गाइज़ सबसे ज़्यादा आपको ना अट्रैक्टिव चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है वेपन। तो गाइज़ यहाँ पे ना वराइटीज़ ऑफ गन को अच्छी तरह से रखा गया सेव करके। और गाइज़ यहाँ पे फोटोज़ और वीडियोस लेना मना है, जो पर रिकॉर्ड करके नहीं ले जा पाएंगे तो वो थोड़ा सही नहीं लगा मेरे को, क्योंकि 75 रुपीज़ लगा म्यूज़ियम के अंदर घूमने में और वो चीज़ अपने को मिला नहीं, ये थोड़ा सही नहीं था। बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब गाइज़ यहाँ से निकलेंगे, इस वीडियो में इतना ही। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो 80 घाट का होगा, 80 घाट का आरती का शाम का। तो गाइज़ चलते हैं यहाँ से क्योंकि अभी अपने को ना वहाँ भी जाना है। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो में। अगर गाइज़ आप लोगों को ये वाला सीरीज़ मेरा पसंद आ रहा है बनारस का, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।